हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल इनपुट का प्रोग्राम देखेंगे। जावा में सिंगल लाइन में इनपुट करेंगे, मल्टीपल नंबर हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकता है, और इसको सेपरेट कर सकते हैं हम स्पेस के साथ, कॉमा के साथ, या जो भी स्पेशल कैरेक्टर हम मेंशन करें। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मल्टीपल इनपुट में आते हैं हम। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग इक्वल टू हम कर देते हैं, इनपुट नाम दे देते हैं इसको हम। क्लियर? उसके बाद हम स्ट्रिंग दो और डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग ए कॉमा बी, दो स्ट्रिंग हम डिक्लेयर कर दिए। क्लियर? अब हमें क्या करना है, दो स्ट्रिंग सिंगल लाइन में इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर लगाते हैं सबसे पहले इनपुट के लिए। स्कैनर एस सी इक्वल टू करते हैं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग में जो एरे है उसके वैल्यू को स्टोर करेंगे। उससे पहले हम एरे को इनिशियलाइज करना है, तो इनपुट इक्वल टू हम कर देते हैं st.nextLine डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे हम। यहां पे क्या होगा, ये आपका स्पेस के साथ सेपरेट होगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट हमें प्रिंट करना है दोनों, तो दोनों को हम सबसे पहले तो दोनों में ए एंड बी में हम इनिशियलाइज कर देते हैं, दोनों जो एरे में वैल्यू इनपुट होगा उसको। तो हम ए इक्वल टू कर देते हैं इनपुट 0, यानी फर्स्ट पॉकेट में जो है फर्स्ट वाला नंबर या स्ट्रिंग, फर्स्ट वाला स्ट्रिंग को हम स्टोर कर दिए। बी इक्वल टू हम कर देते हैं इनपुट और प्रिंट कर देते हैं दोनों को, सिस्टम डॉट आउट डॉट println a, और सेम इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सॉरी दो बार पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हम दे देते हैं b, यानी a b दोनों को हम प्रिंट करेंगे, सिंपल। अब इसको हम रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। हेलो, और स्पेस दे दिया हम एक वर्ड, हेलो अलग से मेरा प्रिंट हो गया, और वर्ल्ड अलग से, दोनों स्ट्रिंग को हम प्रिंट करके देख लिए। यहां अगर चाहते हैं दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइंट प्रिंट करें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सिंपल इसको पहल इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और यहां हम कर देते हैं ए प्लस बी, देन कंपाइल करते हैं इसको और प्रिंट कर, हेलो वर्ल्ड, यहां देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड मेरा एक साथ प्रिंट हुआ है। क्लियर? अब हम चाहते नहीं स्ट्रिंग मेरा इनपुट नहीं हो, इंटीजर इनपुट हो। क्लियर? तो हम स्ट्रिंग एरे से ही इनपुट करवाएंगे, जस्ट इसको हम चेंज कर देते हैं, इंटीजर इंटीजर डॉट परसेंट इंट ए, और फिर इसको भी हम कर देते हैं और सर यहाँ पे है स्ट्रिंग है इसको हम इंटीजर कर देते हैं, पहले तो जो वेरिएबल है मैं उसको इंटीजर कर दिया, अब फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में, इंटीजर डॉट परसेंटेज। सिंपल, अब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके इसको रन करते हैं। वैल्यू देते हैं हम 12 दे देते हैं, फिर स्पेस देते हैं और 34 दे देते हैं। यहाँ मल्टीपल इनपुट हो गया, मल्टीपल स्पेस दे दिए हैं, सॉरी, इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं।
पहले 12 देंगे, फिर स्पेस 34। 12 और 34 को जैसे ही हम सम किए मेरा 46 आ गया। यहाँ एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप एक स्पेस से ज़्यादा जब दे देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एरर आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं स्पेस नहीं, हम इसको कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, यानी एक नंबर के बाद आप दूसरा नंबर जब दे तो उसमें एक कॉमा दीजिए। इसको कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं। लाइक हम देते हैं 34,89। तो 34,89 में मेरा जो सम आ रहा है, मेरा प्रिंट हो रहा है, क्लियर। अब मान लीजिए ये तो मेरा दो नंबर है, हम दो से ज़्यादा नंबर प्रिंट करना चाहते हैं और उसको एरे में अगर फॉर लूप के हिसाब से, हम लूप के हिसाब से उसको कैसे प्रिंट करेंगे उसको समझेंगे हम। यानी एक से ज़्यादा नंबर हो या इंटीजर हो, जो स्ट्रिंग हो, नंबर है तो आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे स्ट्रिंग का आप सिंपल पहले देखे थे उस हिसाब से आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर। हम यहाँ स्ट्रिंग से हम जो वेरिएबल है ये वेरिएबल को हम हटा देते हैं, प्रिंट को रहने देते हैं, इसको हम बाद में एडिट करेंगे, और यहाँ इस वेरिएबल को भी हटा देते हैं, क्लियर। यहाँ इसको हम हटा देते हैं ये भी। फॉर लूप लगाएंगे हम एक, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन इनपुट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, क्लियर हो गया। प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करना है, जो वैल्यू आप इनपुट कीजिएगा उसको प्रिंट करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले प्रिंट एलिमेंट को और यहां पेस्ट कर देते हैं। प्रिंट हमें क्या करना है, तो एज ए स्ट्रिंग हम किए हैं, तो स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे उसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करते जाना है कॉमा सेपरेट करके। तो किसको प्रिंट करना है, हम यहां देते हैं इनपुट आई, यानी एक एक वैल्यू को प्रिंट करते जाइए, क्लियर हो गया। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके इसको रन करते हैं। अब यहां आप जितना ज्यादा हो सके आप एक से, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना आप नंबर इनपुट कीजिएगा उस हिसाब से एक जितना उसका आपका स्कैनर का लिमिट होगा या जो होगा उससे आप क्या कीजिए, इनपुट कीजिए, और इनपुट करके वो अलग से आपका वैल्यू स्टोर हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट डॉट लेंथ दिए हैं। अगर हम वहाँ वैल्यू देते हैं 4, 5, 6 तो उस हिसाब से आपका प्रिंट होगा। हम पहले देते हैं हेलो वर्ल्ड, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ कॉमा सेपरेटेड हम किए थे, तो वर्ल्ड कॉमा हाउ कॉमा आर कॉमा यू। अब देख सकते हैं हेलो मेरा अलग हुआ है, वर्ल्ड मेरा अलग हुआ है, हाउ मेरा अलग हुआ है, यू मेरा अलग से प्रिंट हो गया, क्लियर। ये मेरा, इसको हम और अच्छा से प्रिंट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको और अच्छा से प्रिंट करने के लिए हम किस लोकेशन पे है उसको भी दिखा सकते हैं, या नंबर इन फर्स्ट नम फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इस हिसाब से भी दिखा सकते हैं। तो हम देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट नेम दे दिया, और आगे हम नंबर लगा देते हैं यानी कौन सा स्टूडेंट का नेम होगा। यहाँ हम देते हैं आई प्लस वन, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं आई प्लस वन स्टूडेंट नेम, और यहाँ हम इनपुट जो नेम होगा उसको प्रिंट कर, क्लियर। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके इसको रन करेंगे। नेम दीजिए मोहन कॉमा सोहन रोहन कॉमा, इससे भी ज़्यादा नाम हम दे सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टूडेंट नेम मोहन हो गया, सेकेंड स्टूडेंट हो गया मेरा सोहन, थर्ड स्टूडेंट रोहन, फोर्थ स्टूडेंट कुणाल, इस तरह हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस लूप से नहीं, हम फॉरिच लूप से करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आप फॉर लूप को और यहाँ कर दीजिए फॉर
स्ट्रिंग आई इन इनपुट, इनपुट में जो भी वैल्यू है उनको प्रिंट करते जाइए सिंपल, और इसको कट कर लीजिए और यहाँ पेस्ट करके हम जस्ट आई को प्रिंट करेंगे। को कंपाइल कर लेते हैं, नेम देते हैं हम मोहन सिंगल हो गया, हम सिंगल नहीं एक से ज़्यादा देंगे, तो इसके लिए हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। मोहन कॉमा रोहन कॉमा सोहन कॉमा कुणाल, एक एक करके मेरा नेम प्रिंट हो गया। इसमें अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर प्रिंट करना चाहते हैं फॉरिच लूप में, तो इसमें आप आई तो एज ए स्ट्रिंग ही आपका प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए आप एक अलग वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ सिंपल दे दीजिए आप इंट ए इक्वल टू कर दीजिए वन, वन से काउंटिंग होगा, हम वहाँ आई प्लस वन नहीं देना चाहते हैं, और यहाँ कर देते हैं हम ए प्लस स्टूडेंट नेम, और सामने हम स्पेस देते हैं ताकि स्पेस रहे फर्स्ट सेकेंड के बाद, और यहाँ प्लस कर देते हैं। अब फर्स्ट में मेरा प्रिंट हो गया फर्स्ट नेम, और ए प्लस प्लस कर दीजिए, यानी नेम जो है फर्स्ट सेकेंड आपका क्लियर बढ़ता चल जाएगा जैसे जैसे लूप चलेगा। अब इसको फिर से हम रन करके देखते हैं, नेम दीजिए आप मोहन कॉमा रोहन कॉमा सोहन कॉमा कुणाल, क्लियर। तो इस तरह हम फॉरिच लूप में या सिंगल लूप में या अलग स्ट्रिंग हो नंबर हो उसको हम एक ही लाइन में सिंगल लाइन में इनपुट कर सकते हैं। यहाँ आप अगर चाहे तो फुल स्टॉप के साथ भी इंट कर सकते हैं, यहाँ आप डायरेक्ट फुल स्टॉप दीजिए या क्वेश्चन मार्क से सेपरेट, या जो भी आप चाहिए आप उसको स्प्लिट फंक्शन में यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह हम सिंगल लाइन मल्टीपल इनपुट कर सकते हैं जावा में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट कीजिए।